हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप में से सब लोग पूछते हैं। कि क्या सी यू सेट के थ्रू एडमिशन होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस बार या नहीं। अब इसका नाम सी यू एट कर दिया है, सी यू सेट से सी यू एट कर दिया है, सी यू ई टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें ना, अगर आप खास करके जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर बच्चे जिसके एस्पिरेंट हैं, जिसको जहाँ बच्चा जाना चाहते हैं, जो डिज़ायर रखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ यार आपका जामिया है, AMU, DU, JNU और कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं BHU। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसमें एडमिशन CUET के थ्रू होगा या फिर जनरल एडमिशन होगा इस साल, खास करके 2022 के बारे में। चूंकि यार आप सबको पता है कि NEP में ये लिखा गया था, ये कहा गया था कि अब जो भी एंट्रेंस होगा वो कॉमन एंट्रेंस होगा, एक एंट्रेंस के थ्रू आपके सारे कोर्सेज में सिलेक्शन होंगे। तो अब आप सबका सवाल है कि भाई एंट्रेंस किस तरह होगा, उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग DU और JNU की बात करें, आप सबको पता है कि DU के जो वाइस चांसलर थे, वो 7 लोगों की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी वो थे और वो शुरू से चाह रहे थे कि भाई ऐसा हो कि कॉमन एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हो। JNU का भी यही हाल था। JNU ने अभी रिसेंटली कन्फर्म भी किया है कि अगर CU SET होता है, या फिर CU SET कह लें, CU SET अगर होता है तो हम लोग उसके थ्रू कंडक्ट कराएंगे अपना एंट्रेंस टेस्ट। अब सबको ये भी पता होगा कि JNU पहले से ही NTA के थ्रू अपना एंट्रेंस कंडक्ट करा रही है, तो NTA को तो उन्होंने अपना काम पहले ही दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इस साल CUET होगा और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मैं क्लियरली बताना चाहूँ, अब तक यार जामिया AMU की बात करें तो इन्होंने कुछ तो कहा नहीं है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, इस पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं JNU DU के बारे में। JNU DU यार पहले से चाह रही थी कि हाँ CUET के थ्रू हो जाए, CUET के थ्रू हो जाए। तो अगर कंडीशन सब नॉर्मल रहे, सब चीज़ें जैसे कि आप सबको पता है कोविड और ओमिक्रॉन अभी अपने कहर में, अपने पीक पे है, तो अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो JNU DU तो भाई पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। इनको CUET के थ्रू एंट्रेंस कराना था तो ये करेगी पार्टिसिपेट। लेकिन अगर हम लोग अब जामिया AMU की बात करें तो अब तक इन यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ कहा नहीं है, तो हो सकता है इस बार कोविड की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इनको थोड़ा मोहलत दिया जाए, इनको थोड़ा कहा जाए कि चलो इस साल तुम लोग को रिलीव करते हैं। हो सकता है कि जामिया इस बार पार्टिसिपेट नहीं करे, AMU इस बार पार्टिसिपेट नहीं करे CU SET के थ्रू, वो ऐसे नॉर्मल एंट्रेंस कंडक्ट कराए, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आप तो प्रिपरेशन यार जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप देना चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के आप एस्पिरेंट हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप चाह रहे हैं कि उसमें मेरा एडमिशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग करिए। मैंने डिफरेंट वीडियोस डाल रखा है जामिया के लिए, AMU के लिए, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो नॉर्मल जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस होगा ना, अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, वो पेपर का जो सेकेंड जो पोर्शन होगा उसमें तो आपको पार्ट बी में यार चलो उसको तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पार्ट ए के लिए सब्जेक्ट कॉमन सिलेबस है, आपको रीजनिंग है, GK है, या फिर कहीं कहीं मैथ्स है, जो भी आपके स्ट्रीम के हिसाब से, तो आप उन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें। और अभी आप लोग फिलहाल के लिए तो ऐसे प्रिपरेशन करें कि जिस यूनिवर्सिटी में देना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के सिलेबस डाउनलोड करें और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करें। बाकी जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अगर डिसाइड होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।